सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लॉ 96 से. आज मैं आया हूँ फिर से एक छोटी सी अनबॉक्सिंग करने मेरे भाई के बुलेट के लिए. तो उसके लिए मैंने दो एक्सेसरीज मंगाए जिसकी अनबॉक्सिंग करेगा मेरा भाई. तो एक में है वाइब्रेशन के लिए हैंडल बार के बीच में जो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस हैंडल बार. तो वो एक मंगाया है. और एक हमारे बुलेट के लिए हमने लिया है पार्किंग कवर, जो हमारे बुलेट को बारिश से बचाएगा. तो चलो जंगली तरीके से इसकी आज अनबॉक्सिंग करते हैं. तो ये है सिल्वर कलर में, मतलब क्रोम कलर में हैंडल बार. तो देखते हैं अंदर क्या आता है खोलने के बाद. पे लिखा है, क्या लिखा है इस पे, मॉन्स्टर लिखा है इस पे, मॉन्स्टर. तो देख के तो क्वालिटी अच्छी लग रही है. क्या लगता है तुझे, वाइब्रेशन कम करेगा? इसके खुद के वाइब्रेशन ही ज़्यादा लग रहे हैं मुझे. अरे ये तो बहुत ही लाइट वेट है. इसको तो देखने के बाद ऐसा लग रहा है वो डोली ना, इसका कुछ वजन नहीं है. चलो इसको रखते बाजू में. तो इसको रखते बाजू को. इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है. इट्स अ पेटी पैक प्रोडक्ट. और फ्रेंड्स, मैं फैन बंद करना भूल गया. क्वालिटी तो काफी अच्छी लग रही है इसकी. अभी आपको दिखाएंगे इसको बुलेट पे लगा के. तो दोनों की भी अनबॉक्सिंग हो चुकी है और उनकी प्राइसिंग है 299 और दूसरे प्रोडक्ट की भी प्राइस है 299. तो ये है भी 299, ये भी 299. तो रही बात मेरे बहुत दिन वीडियो नहीं आने की, तो बहुत सारी बातें हैं. इसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक अलग से टाइम दे के एक वीडियो बनाऊँ और आपसे बातें करूँ. और मैं सोच चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हो तुम्हारे साथ भी ना हो. तो जो नए मतलब YouTube पे आए हैं, ब्लॉगिंग चालू किए, तो YouTube की दुनिया में उनका स्वागत है. तो उनके लिए मैं कुछ थोड़ी सी सीख दे के जाऊँगा जो मैंने मतलब की है, मेरे जो प्रॉब्लम्स हुए हैं जिसके वजह से मेरे वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा. और एक चैनल स्टार्ट करने के लिए अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, इसका थोड़ा सा गाइडेंस भी दूंगा. तो आने वाली वीडियो अच्छे से देखना. और हाँ, आपके भाई को भी स्पॉन्सरशिप चालू है. सिंटेक टेक्नोलॉजी ने मुझे एक स्पॉन्सर किया है 392 का. तो नेक्स्ट आने वाला वीडियो तो भाई ज़रूर देखना. वो वीडियो देखने को भूलना मत कि भाई को भी स्पॉन्सर हुआ है. तो चलो, तो मैं आपको इसके आगे कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि ये गाड़ी पे रॉड कैसे दिख रहा है, मतलब ये वाइब्रेशन बार और कवर. ओके, तो आपके लिए तो थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा. तो 1, 2, 3. हेलो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है आपके लिए तो तुरंत रहेगा, लेकिन मुझे एक रात निकालनी पड़ी. बिना नहाए धोए संडे का दिन है, सुबह आया हूँ. पीछे मेरी बुलेट दिख रही है कि आपको 500 cc. तो हम लोग आए हैं सुबह, आज हैंडल बार का काम करेंगे. आप देखिए इसके आगे बिना बक किए कंटिन्यू. ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि हल्का सा भी एक्सी करने पर कितना वाइब्रेट हो रहा है.
तो अभी बार लगाने के बाद वाइब्रेशन कितना कम होता है वो भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये है एक्सेसरीज, ये है बार और ये है उसके क्लिप जो होल्ड करेंगे और ये है उसके बोल्ट्स। ओके, तो ये है एलन की, तो जिससे हम इसको फिट करने वाले हैं बुलेट के इस बार पे यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी फिटिंग हम शुरू कर दें, अभी तो सिर्फ गाइड के लिए हम लोग ने आपको बताया कि किस तरह से है, तो शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स इसको हमें लगाने के पहले इस तरह से रहेगा, तो फैलाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, देन ये हैंडल बार के अंदर वो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से इस पर बैठने के बाद हम एक साइड का पहले फिटिंग कर लेंगे टाइट करके, देन दूसरे साइड का करेंगे। ओके, लगाते समय ये जो अपना स्क्रू है, बोल्ट है, स्क्रू है जो भी, इसको ऊपर से लगाना, क्योंकि अगर बाई चांस वो उसमें से स्लिप हुआ तो आपके टाके पे नहीं गिरेगा और स्क्रैच और डेंट आने के चांसेस कम रहेंगे। तो फिटिंग पूरी तरह से हो चुकी है, मुझे ये फिटिंग करने में बहुत टाइम लगा, दिख रहा है उतना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसमें पहले तो आपको ये देखना है कि ये और ये क्लिप लगाने के बाद जब ये बार आप लगाते हो तो उसको सेंटर में सेट हो रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा। तो ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसा सेट होता है तो उसको सेंटर में सेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको इसके बीच में ज़रा भी प्ले नहीं रखना है, अगर इसमें प्ले रहा तो इसका आवाज़ का मतलब वाइब्रेशन का आवाज़ अलग से आपको एक्स्ट्रा उसमें प्लस होके आएगा, तो जो आपने लगाया है वो कंप्लीट नहीं होगा, जो वाइब्रेशन आपका लेना चाहता है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको प्रॉपरली आपको फिट करना है, ज़रा भी इसमें प्ले नहीं चाहिए। तो अभी देखते हैं इतना मेहनत करने के बाद, लगाने के बाद भी कुछ वाइब्रेशन कम हुए क्या। तो गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तो मिरर को देखते हुए इसे लग रहा है कि आइडल में तो अभी तक थोड़ा सा वाइब्रेशन कम हुआ है, थोड़ा सा, ना के बराबर कम हुआ है। थोड़ा सा रेस करके देखते हैं। मुझे तो किसी भी तरह का फर्क, सो फ्रेंड्स मुझे तो किसी भी तरह का फर्क उसमें नजर नहीं आया। तो मुझे तो लग रहा है कि ये प्रोडक्ट टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, तो प्लीज इस प्रोडक्ट के लिए मत जाओ, क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ वाइब्रेशन कम होगा लेकिन सेम है, किसी भी तरह का फ़र्क नहीं। ऊपर से प्लस उसको लगाने में भी इतनी मेहनत होगी कि वो मेंटेन करना पड़ा, वेस्ट ऑफ मनी है। तो दूसरा प्रोडक्ट अपना जो था पार्किंग कवर, तो कम उसको डाल के देखते कि वो तो परफेक्ट है क्या, देन मैं आपको वापस रिव्यू करता हूँ। तो आप देख सकते हो बुलेट को मैंने कवर तो डाला है, कवर परफेक्ट फिटिंग तो नहीं है बट फिट है, गाड़ी पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर हो रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये आगे का मरकर इसमें कवर हो रहा है। और अच्छी तरीके से तो फाइनली फ्रेंड्स सब फिटिंग वगैरह करके मैं अभी घर आ चुका हूँ। तो कुछ बातें करते हैं। तो पहला रिव्यू ये देना चाहूँगा कि वो बार के बारे में मैंने तुरंत आपको तभी बताया कि मुझे ऐसा कुछ उसमें लगा नहीं कि वाइब्रेशन कम हुआ वगैरह। एज अ लुक के लिए आप वो लगा सकते हो, लुक तो उससे मेरे गाड़ी को थोड़ा सा बेटर आया, अच्छा आया है। एक पूरा हैंडल बार चेंज करने से अच्छा है कि आप स्टॉक हैंडल बार ओरिजिनल जो है वो वैसे ही रख के उसके ऊपर बार लगाओ। उसमें आप चाहिए तो किसी तरह के माउंट्स वगैरह आप लगा सकते हो,
वो, या फिर जो स्विचेस आते हैं लाइट्स के, वो आप उस पर लगा सकते हो, उसमें वो आपको काम आएगा एज अ स्टाइल और लुक के लिए वो काम का है, बट वाइब्रेशंस ज़रा भी उससे कम नहीं हुए, तो मैं मेरी तरफ से तो आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर भी आपको अगर वो चाहिए तो आप अमेज़ॉन पे जाके जस्ट सर्च करोगे बुलेट के लिए हैंडल बार वाइब्रेशन के लिए, तो वो तुरंत आ ही जाता है, तो लाइन में आप आ जाते। उसमें और भी कई तरह के अलग अलग टाइप के बार्स है। और रही बात कवर की, तो कवर मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रॉपर फिटिंग वगैरह आया, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था, मैं उसके लिए दूंगा 10/10 या फिर 10/8 वगैरह, क्योंकि अच्छा लगा। तो अभी तक उसको यूज़ प्रॉपर हुआ नहीं है, लेकिन जो अपन देखते हैं ना कि क्वालिटी कैसा है, तो क्वालिटी वाइज वो बेस्ट लगा। और ये दोनों भी प्रोडक्ट मैंने अमेज़न से मंगाए थे 299 में, और दोनों ही अमेज़न से बहुत अच्छी तरीके से आए थे, पैकिंग वगैरह में आपने देखी अनबॉक्सिंग में। तो रही बात कवर की, तो कवर का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। बस इतना ही, तो आज के ये ब्लॉग को या फिर वीडियो को अपन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।